स्नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाते हैं प्याज का पाउडर और प्याज को कैसे सुखा के लंबे समय तक स्टोर करके रखें। चलिए प्याज सुखाने के लिए हम ये दो प्याज ले रहे हैं, इनको पहले हम छील लेंगे इस तरह। उसका जो भी खराब पोर्शन है, सूखा पोर्शन है, उसको हम निकाल देंगे। दोनों प्याज को हम अच्छे से छील लेंगे। ये प्याज का जो सूखा प्याज है हमें बहुत काम आता है। इससे कोई भी हम क्विक रेसिपी तैयार कर सकते हैं इजीली। मतलब आपको बहुत जल्दी बनाना है, बच्चा रो रहा है या बच्चों को स्कूल के लिए टिफ़िन देना है, तो आप उसमें बैठ के प्याज काटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका तुरंत उपयोग कर सकते हैं। अब आप इस प्याज को वॉश कर लीजिए। धोने के बाद हम एक ऐसे प्लेट लेंगे, उसमें प्याज को रखेंगे और प्याज का जो ये पोर्शन है इसको इस तरह से निकाल देंगे। आप चाहें तो फूड प्रोसेसर का, वेजिटेबल चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं इजी वे में आपको हाथ से काटना बता रही हूँ। इस तरह आप इसकी लंबी लंबी फाक कर दीजिए। पतली फाक रहेगी तो जल्दी सूखेगी। बस इस तरह से हम इसको कर देंगे। आप इसको बिल्कुल ऐसे ही सुखा के भी डब्बे में भर के रख सकते हैं और इसका पाउडर भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगी। अगर आपको जहाँ पे साबुत प्याज यानी दिखे प्याज के पीस, तो वहाँ पर आप बस ऐसे टुकड़े इस्तेमाल कीजिए, और जहाँ पर पीसने का काम रहता है तो पहले ही आप पीस के और उसको भर के रख लीजिए, तो आप इसका तुरंत उपयोग कर सकते हैं। आजकल के ज़माने में हर कोई अकेला रहता है, सर्वेंट मिल गए तो ठीक है। जैसे भी कोरोना का समय है, सर्वेंट नहीं आ रहा है, आपका हेल्पर नहीं है और आपको सारा काम करना है, उस समय में जब आप खाली हैं तो आप ये काम कर लीजिए, ताकि आपको जब जल्दी से कुछ बनाना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सूखे पाउडर का हम इस्तेमाल किस में करेंगे, तो एक तो आप मसाला बनाने में कर सकते हैं, दूसरा आप इस सूप वगैरह में डालने के लिए कर सकते हैं, ग्रेवी बनाने के लिए कर सकते हैं। ये देखिए हमारी ये प्लेट रेडी हो गई। अब हम इसको तेज़ धूप पे रख देंगे। आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी सुखा सकते हैं, पर धूप में रखने से आप जानते ही हैं कि धूप से हमें क्या मिलता है, इसमें विटामिन डी आ जाएगा और आपके जो कि हड्डियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और आजकल विटामिन डी की कमी का कारण तो सबको पता ही है कि धूप का ना होना, और अगर आपके घर में धूप आती है तो मैं तो बोलूँगी कि आप इसे धूप में ही सुखाइए। तो चलिए इसको धूप में रख देते हैं। इस तरह मैंने इसको तेज़ धूप में रख दिया है और ये जब सूख जाएगा तो मैं आपको बताऊँगी इसको कितना समय लगा सुखाने में। देखिए तेज़ धूप में सुखाने के बाद इस तरह हो गया है। थोड़े से बादल आ गए थे, हल्की बारिश चालू हो गई थी, तो मैंने इसको हल्का OTG में एकदम धीमी आंच पे रख दिया था ताकि ये क्रिस्प पड़ा रहे। अब इसको आते हैं रखने की बारी। तो आप इसको एज इट इज़ भी इस तरह एक डब्बी उठा के उसमें आप भर के एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं, और जब आपको इस्तेमाल करना है आप निकालेंगे और इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसको भूंजने की तो ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं। तेल डाला और सूखा हुआ है, तुरंत फ्राई हो जाएगा, और आप इमीजिएटली टमाटर डाल के इसका ग्रेवी में या सब्जी में कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप एक मिक्सी का पॉट लीजिए और उसमें इसको डाल दीजिए, और भी क्विक यानी आपको पीसने की ज़रूरत ना पड़े बाद में, आप बस जैसे जीरा डालते हैं उस तरह से आप इस पाउडर को डालिए और ऊपर से पिसा हुआ टमाटर डालिए, आपकी ग्रेवी तुरंत तैयार हो जाएगी। तो इसको हम पीस लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसा दिखता है पाउडर।
देखिए पाउडर पिस गया प्याज का और इस तरह देखिए दिख रहा है। अब हम इसको इस डब्बे में भर देंगे और रख देंगे। जब इस्तेमाल करना होगा हम इसका इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्याज ज़्यादा कट जाता है या सलाद के लिए हम काटते हैं, उतना सर्व नहीं कर पाते, बच जाता है, या हम सलाद ज़्यादा काटते हैं, गेस्ट उतने नहीं आते हैं तो भी प्याज बच जाता है। तो आप उस प्याज को इस तरह से सुखा लीजिए, फेंकने की ज़रूरत नहीं है, और आप उसका फिर पाउडर बना के इस तरह रख दीजिए, जब चाहे आप इस्तेमाल की कर लीजिए, है ना। कितना आसान तरीका और कितनी जल्दी आपका ओनियन पाउडर रेडी हो गया। अब आपको मार्केट से पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी प्याज सस्ते हो या इस तरह बच जाता हो आप आराम से पाउडर बनाइए और इस्तेमाल कीजिए और तरह तरह के व्यंजन बनाइए और हमें बताइए कि आपके व्यंजन कैसे बने। मेरे तो बहुत अच्छे बनते हैं। मैं इसका प्रयोग सूप के लिए भी करती हूँ या मसाले बहुत सारे, चाट मसाला, किचन किंग, इस तरह के कुछ मसाले रहते हैं जिसमें ओनियन पाउडर डलता है तो आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आपकी ग्रेवी जो है पतली हो जाती है सब्जी की तो आप उसको गाढ़ा करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कृपया कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप भी बनाइए, खाइए और बताइए आपकी कैसी बनी और आपको कैसी लगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।